फतेहपुर में तीन के अंदर महिला समेत चार अज्ञात व्यक्तियों के अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन अभी तक शवों की शिनाख्त नहीं हुई है। गुरुवार को खागा कोतवाली क्षेत्र के रेलवे ट्रैक के किनारे एक 60 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। वहीं थाना कोतवाली के मुसेपुर गाँव के बाहर एक 65 वर्षीय महिला का संदिग्ध हालत में शव मिला था, जबकि शुक्रवार को सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के रामगंगा नहर के झाड़ियों में एक युवक का शव बरामद हुआ था और शनिवार को फिर इसी थाना क्षेत्र के चौकी चौराहे के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव जंगल में नीम के पेड़ से लटका हुआ मिला है। पुलिस अभी तक किसी भी शव की शिनाख्त नहीं कर पाई है। जिले में लगातार मिल रहे अज्ञात शवों से हड़कंप मचा हुआ है। कौशाम्बी में सिरातू विधायक पल्लवी पटेल ने नरसिंह कछुआ में 2,11,00,000 कीमत से बने ट्रामा सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पल्लवी पटेल को कई खामियां मिली। उन्होंने कहा कि यहां स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 8 महीने पहले बने इस ट्रामा सेंटर भवन की सारी दीवारें जर्जर हैं। ट्रामा सेंटर में कोई स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि आज पहली बार इस ट्रामा सेंटर का दरवाजा खुला है। इस दौरान पल्लवी पटेल ने सरकार पर निशाना साधा। झांसी के प्रेमनगर थाना इलाके